अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहने से पहले जरा इन पेपर पे एक बार नजर तो डाल लो। इतना चौंक क्यों रहे हो राजीव? ये दस्तखत तो तुम्हारे ही है ना? देखो, सिटी एसपी को लिखा तुम्हारा ये लेटर कहता है तुम को हर हाल में जेल से बाहर निकालना होगा एसपी साहब, चाहे उसके लिए आपको कानून को तोड़ना मरोड़ना ही क्यों ना पड़े। कुहू के खिलाफ जो वीडियो मिला है उसको गलत साबित करना, गलत घोषित करना होगा आपको, ताकि कुहू को बेल मिल सके। दस्तखत राजीव नारायण चंदेल, दस्तखत नव निर्वाचित विधायक मुजफ्फरपुर सदर। ये पेपर हमने कभी साइन किए ही नहीं, इनफैक्ट ये पेपर तो हमने कभी देखे ही नहीं है। कहां से आई है ये? कैसी पार्टी है? ना नाचना गाना, समझ में आ रहा है आपको कुछ? हाँ बाबा, सब समझ में आ रहा है हमको। उस रोज पार्टी से पहले हम कुछ सरकारी फाइल्स देख रहे थे और कुछ फाइल्स पे हमने साइन भी किए थे। इसका मतलब कि ये पेपर्स वहां, लेकिन ये पेपर्स वहां आए कैसे? ये पेपर्स वहां आपने रखवाए, आपने रखवाए ना? वो क्या है ना राजीव, हम राजनेताओं को सबसे ज्यादा खतरा अपने आस्तीन के सांपों से होता है, इसलिए उन सांपों का काट हमेशा हमें अपने पास रखना होता है, उनकी कोई कमजोरी, उनकी कोई लापरवाही। अब देखो तुम्हारी ये लापरवाही काम आई ना हमारे। शायद आप भूल रहे कि अवधेश जिंदा है, तो पुलिस ना चाह के भी कुहू के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। पूरी बात तो सुन लो राजीव, इस पेपर्स में और भी कुछ लिखा है। तुम्हारे घर के पिछवाड़े एक लाश और मिली थी। इस पेपर में तुमने लिखा है कि उस शख्स की हत्या का ठिकरा, उसके मर्डर का इल्जाम अवधेश और डीएसपी साक्षी के ऊपर मर दिया जाए, ताकि ये मामला भी दब जाए। अब अवधेश का मर्डर हुआ हो या ना हुआ हो, पर तुम्हारे घर के पीछे मिली लाश, उसका तो मर्डर हुआ था ना? कहने का तात्पर्य ये है विधायक जी कि जब ये पेपर सामने आएगा तो अवधेश और साक्षी जेल से छूट जाएंगे और कुहू हत्या के इल्जाम में सरकारी अधिकारी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में जेल चली जाएंगे और तुम मिस्टर राजीव नारायण चंदेल हत्या में सह अभियुक्त, सरकारी पावर का दुरुपयोग इत्यादि इत्यादि के जुर्म में पहले तो अपनी विधायकी गंवाओगे और फिर बीवी के साथ हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे। और मैं इस बात का तसल्ली से इंतजाम करूंगा कि तू सारी उम्र सलाखों के पीछे सड़ती रहे। ये देखो, पार्टी वाला रात में जो तुमको रुलाया, जिस पे तुमको गुस्सा है, वो यही है ना? ध्यान से देखो बच्चा,
ये नहीं है तो फिर कौन है? यकीन नहीं होता कि रघुवेंद्र राय एक जनसेवक, जनता का प्रतिनिधि, अपने उस दरिंदे बेटे को बचाने के चक्कर में इतना घटिया बन सकता है, इतना नीचे गिर सकता है। ये बेटे बेटे की रट बंद करो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। जो हुआ है वो सब मैंने किया है। खैर, अब भूलो इन सबको, इस केस को, इस जोश को, और अब अपने पत्नी के बारे में सोचो। बाबू दरवाजा खोलिए। बाबू रोहन नहीं, राघवेंद्र जी, अभी रूपा से हमको मालूम पड़ा। चुप का है आप, इतना बड़ा बात हो गया, आप चुप का है बाबू, कुछ तो बोलिए आप। जानते थे आप? हाँ, इसीलिए राघवेंद्र जी से मिलने के बाद एकदम में चुप हो गए, एकदम में खामोश हो गए, आपका बात विचार ही बदल गया। हम नहीं जानते कि आपका बात विचार राघवेंद्र जी से मिलने के बाद काहे बदल गया, लेकिन हमारा संकल्प नहीं बदलेगा। हम रूपा को इंसाफ दिला के रहेंगे, उस दरिंदे रघुवेंद्र को दिला के रहेंगे। बाबू जा रहे हैं थाना रूपा को लेकर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डरना मत बच्चा, इंस्पेक्टर साहब के सामने ना सब कुछ बता देना, एकदम मत डरना, हम रहेंगे वहां तुम्हारे साथ, है ना? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ मालूम नहीं होगा? इस घर में रूपा के साथ क्या हुआ
कुछ मुझे मालती ने फोन करके बता दिया। मैंने रूपा की जांच की, नाखून खरोच और चोट के निशान पीठ जांघों और शरीर के अन्य जगह पर है। एक बच्ची के लिए बैड टच बहुत बड़ी बात होती है। उसके आगे उसने कुछ होने नहीं दिया और वो भाग गई। डॉक्टर मैडम ने आप लोगों को जो भी बोला मैंने सब सुन लिया था, और ये भी कि सब राघवेंद्र के बेटे रोहन ने किया है। काकी, राघवेंद्र का बेटा रोहन नहीं, खुद राघवेंद्र ने किया है। तो उसे नैना मिलाइके के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।